मोगा के ओबीसी बैंक ने बैंक के 74वें फाउंडेशन डे पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन सुबेमल बैनर्जी डीजीएम की रहनुमाई में किया गया, जिसमें काफ़ी डोनरों ने भाग लिया। इस मौके पर मोगा सिविल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक की टीम मौजूद थी, जिन्होंने ब्लड डोनेट करने वाले लोगों को सरकारी सर्टिफिकेट भी जारी किए। इस मौके पर रवि दत्त बाली चीफ मैनेजर, सुशील गुप्ता, अनिल बांसल, जीएस लुज्जा, बहादुर सिंह, मनोज शर्मा आदि ने भाग लिया। हम अपना 74वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसमें हम क्योंकि समाज से जुड़े हुए हैं, हम सोशल बैंकिंग करते हैं, तो इसलिए हम इस अवसर पर अपनी ओर से कुछ समाज के लिए योगदान करना चाहते हैं। लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन, ये हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल बोले आए हैं, तो सब कस्टमर ने बड़ा इसमें योगदान दिया, हमारा हौसला बहुत बढ़ गया है। ये हम हर बार करते हैं कुछ ना कुछ, तो इस बार हमने ये फैसला किया कि इसको हम बनाएं। और अभी तक 40 हमारे डोनर्स, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मोगा के कस्टमर्स का कि जिन्होंने इतना बड़ी संख्या में आके हमारा हौसला बढ़ाया और ये सब खुशी खुशी आ रहे हैं। CNI चैनल के लिए मोगा से गुरुदेव बाम की रिपोर्ट।